मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास अगर 10,000 शेयर है तो 7,000 शेयर आपको बिना सोचे समझे साइड में प्रॉफिट लेना है, और 3,000 को फिर ऐसे रख दो भाई किसी के पास 1,000 होंगे तो वो 700 निकालने हैं। ये इस तरह से मैं बता रहा हूं, बाकी करना आपको है। लेकिन अगर आपने इस सूत्र के साथ काम किया सर, जिंदगी में कभी भी किसी भी शेयरों से लॉस नहीं होगा। आप ये बात समझ लो सर, सुजलोन शेयर को मल्टी बेगर शेयर बनना है, चांस है सर इसके 50-50। अब कोई यूं कह दे कि इस शेयर को सर 1,000 पे जाना है तो वहां भी 50-50 चांस हो जाते हैं सर। आपने कभी एक चीज देखी सर कि एक ट्रेन कहीं के लिए चली है और उसे वहां पर पहुंचना है तो बीच में एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभी। देखा आपने कि भाई कोई प्लेन उड़ा और वो रास्ते में उसका ब्लास्ट हो गया, वो सारे यात्री उसके अंदर मर गए, ये चीज़ हो जाती है ना। लेकिन जब हम उसके अंदर कोई बैठता है तो यही सोच के बैठता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगते, और इसी के अनुसार मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपने कम में अच्छी चीज़ों में संतुष्टि कर ली। देखो सर, अगर आपने कहीं पर भी किसी चीज़ शेयरों में से भी प्रॉफिट ले लिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने प्रॉफिट के दरवाजे खोल दिए हैं। और इस प्रॉफिट के दरवाजे खोलने के बाद ही आपको अगले शेयरों में भी ऐसे प्रॉफिट मिलेंगे, फिर आपके रास्ते 100% खुलते जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है, इसको आपको अपनाना ही अपनाना होगा। It's not a game, it's a rich game.